आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। मऊ जिले के सृजनकर्ता और विकास पुरुष के नाम से उत्तर प्रदेश में विख्यात पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय की जयंती पूरे जिले में धूमधाम से मनाई गई और उनके विकास कार्यों को याद किया गया। उनकी जयंती को लेकर राजधानी लखनऊ में गांधी भवन स्थित सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर की गई। और आइए जानते हैं स्वर्गीय कल्पनाथ राय की राजनीतिक सफर और उनसे जुड़ी खास बातों के बारे में, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। कल्पनाथ राय की जयंती। विकास पुरुष के नाम से विख्यात हैं कल्पनाथ राय। उनके विकास कार्यों को किया याद, कल्पनाथ राय को दी श्रद्धांजलि। चतुर्दिक विकास के पर्याय थे कल्पनाथ राय। मऊ को जिला बनाने में है बड़ा योगदान। पूर्व केंद्रीय मंत्री व विकास पुरुष के नाम से पूरे देश में विख्यात रहे स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की पूरे प्रदेश में आज जयंती मनाई जा रही है और उनके विकास कार्यों को याद किया जा रहा है। साथ ही उनकी जयंती को लेकर राजधानी लखनऊ के गांधी भवन स्थित सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर की गई। कार्यक्रम में तमाम गणमान्य एकत्रित हुए और उनके पुनीत कार्यों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय कल्पनाथ राय मऊ जिला के जनक थे और मऊ जिला में अभी आपने देखा होगा तमाम, अभी IPS अजय शंकर राय जी ने कहा, मऊ जनपद को उन्होंने अपना एक घर, जैसे अपने घर को लोग सजाते हैं, कल्पनाथ राय मऊ जनपद में कलेक्ट्रेट से लेके डिस्ट्रिक्ट जज का आवाज़ से लेके हर चीज़ को इतना बेहतरीन ढंग से मनाया कि मैं रहूं ना रहूं मऊ जनपद हमेशा आगे बढ़े, इससे उन्होंने अपने प्राणों से बढ़कर उसकी सेवा की। क्षेत्र में शायद किसी दल का कोई नेता हो, वो बिना स्वर्गीय कल्पनाथ राय का नाम लिए उसका वाक समाप्त ही नहीं होता, क्योंकि इतना उन्होंने कर दिया है मऊ जनपद के लिए। जो कुछ किया है वो जनक मऊ जनपद के, तो बिना उनके नाम के तो पूरा ही नहीं होता किसी का भी कुछ भी कोई भी भाषण। कल्पनाथ राय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सेमरी जमालपुर नामक गांव में 4 जनवरी 1941 को हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा गोरखपुर विश्वविद्यालय में हुई। और अगर उनके राजनीतिक सफर के बारे में बात करें तो विश्वविद्यालय जीवन में ही उन्होंने छात्र नेता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन का आरम्भ किया। कल्पनाथ जी UP के घोसी लोकसभा से 4 बार सांसद चुने जाने वाले और 3 बार राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य चुने जाने वाले राजनीतिज्ञ थे और समाजवादी युवजन सभा के सदस्य भी रहे और 1963 में इसके जनरल सेक्रेटरी चुने गए। राय इंदिरा गांधी और नरसिंह राव सरकारों में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। दरअसल राव सरकार में 1993 से 1994 में वे खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री थे और 1996 के चुनाव में वो तिहाड़ जेल में रहते हुए ही घोसी से लोकसभा के लिए निर्दल प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए। अपना आखिरी चुनाव उन्होंने समता पार्टी से लड़ा और इसमें भी वे विजयी रहे। और तो और जनपद के विकास पुरुष कल्पनाथ राय ने 16 जनवरी 1995 को मऊ में दूरदर्शन केंद्र स्थापित कराया था और इसका उद्घाटन भी किया था, यानी वाराणसी और प्रयागराज से पहले मऊ का दूरदर्शन चालू हुआ था जो कि अब बंद हो चुका है। और कहा यह भी जाता है कि मऊ को जिला बनाने में इनका अद्वितीय योगदान रहा है। कहा जाता है कि ये मऊ को छोटा लखनऊ बनाना चाहते थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये मऊ को सिंगापुर के तर्ज पर बनाना चाहते थे। कल्पनाथ राय जी चाहते थे कि मऊ इतना विकसित जिला हो जाए कि भविष्य में अगर पूर्वांचल का गठन हो तो मऊ पूर्वांचल की राजधानी हो। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ, वो कहा जाता है ना कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा।
अते 6 अगस्त 1999 को कल्पनाथ राय जी की मृत्यु हृदय घात से हो गई और उनके जाने के बाद मऊ का विकास ऐसे थमा जैसे कि किसी की काली नजर लग गई हो। मऊ आज भी छोटे शहरों में से विकसित जिला है। मऊ की धरती आज भी इंतजार कर रही है कि अब कोई कल्पनाथ जैसा शिल्पकार आएगा और उसे विकास की बुलंदी पर पहुंचाएगा। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।